हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कैवेल। मैं आपका स्वागत करता हूँ लेटेस्ट यूट्यूब चैनल पार्टनर्स ट्यूब पे। आज की इस वीडियो में आपको बताने लगा आप किस तरह से यहाँ पर आपके हर जियो की रिचार्ज पर कुछ पैसे बचा सकते हैं। कुछ मतलब बहुत ज्यादा 50 रुपीज है, फिर उससे ज्यादा आप बचा सकते हैं आपके हर जियो की रिचार्ज पर। तो किस तरह से आपको ये करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एंटर वीडियो देखते रहिए, मैं इसे पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह से आपके हर रिचार्ज पर, जियो के हर रिचार्ज पर आप आपके पैसे बचा सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं, सिंपली हमारा जो जियो ऐप है उसे ओपन करना है। अगर जियो ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। तो बस सिंपली आपको यहाँ पर आपको माई जियो ऐप ओपन करना है। तो एक कुछ इस तरह का इंटरफेस हमेशा आता है। तो बस अपलोड हो रहा है, तो ये देखिए हमारा लोड हो गया है। तो मेरा अब रिचार्ज 8 दिनों में खत्म होने वाला है। तो हम इसे कैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूँ किस तरह से आप यहाँ पर आपके हर रिचार्ज पर जो है आप 50 रुपीज़ या फिर उससे भी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो आपके ऑफर पर अवेलेबल होगा, लेकिन बस सिंपली आप 50 रुपीज़ तो मिनिमम बचा ही लेंगे, 100% की गारंटी मैं देता हूँ। एंड तक वीडियो देखते रहिए। तो मैं अब आपको बता दूँ आपको किस पर क्लिक करना है। तो माई वाउचर्स आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा साइड में, जिस पर आपको आपको यहाँ पर एरो शो हो रहा है। तो मैं इस माई वाउचर्स पर ऑन कर क्लिक कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसको क्लिक करने के बाद ये लोड होता है थोड़ी देर। तो ये आपको आपके यहाँ पर कुछ बैलेंस वगैरह दिखा देता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से आप यहाँ पर 7 GB ले सकते हैं। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा। तो उस पर आप क्लिक करके आसानी से यहाँ पर 21 GB ले सकते हो। किस तरह आप यहाँ पर उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, उसे मैं आपको यहाँ पर उससे आपको समझ जाएंगे किस तरह से आप आपको यहाँ पर 21 GB ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने हमारे जो मैं आज का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिख के आ रहा है ऊपर माई वाउचर्स। इसके नीचे आप यहाँ पर साइड में देखते हैं प्लान 50, RS 50 रुपीज़, क्वान्टिटी 16। मतलब हमारे पास 50 रुपीज़ के कूपन के 16 क्वान्टिटी है मेरे पास, मेरे जो अकाउंट है उसमें। इसका मतलब मेरे पास अभी 500 × हाँ, तो मैं कुछ इस 850 रुपये तक आपके अपने अगले रिचार्ज पर बचा सकता हूँ। मतलब हर रिचार्ज पर मैं इसमें से एक एक कूपन खर्च कर सकता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको आपका जो हर रिचार्ज है उस पर पैसे बचाने हैं, तो आपको बस सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं रिचार्ज ऑप्शन आ रहा है होम के साइड पर, तो उस पर क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरह से अपडेट होगा। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर कुछ ऑफर्स देख सकते हैं। 399 का ऑफर है, 149 का ऑफर है, 349 का ऑफर है, 449 का ऑफर है, और यहाँ पर कुछ नीचे पैक्स भी दिए गए हैं। और 2 GB पैक्स है यहाँ पर, 2 GB पर डे पैक, 3 GB पर डे पैक, तो ये पैक्स है। तो बस आपको सिंपली कोई भी एक पैक इसमें से चूज करना है। तो 1.5 GB का पैक जो है डेली, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो अब बस आपको यहाँ से, लेकिन आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। ये बाय नीचे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। पेमेंट जो है हम ये मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 399 का प्लान चूज किया था, और अब ये देखिए टोटल अमाउंट कितना लिख के आ रहा है। यहाँ पर लिख के आ रहा है 349। मतलब जो रिचार्ज हमें 400 रुपये में मिलने वाला था, वो अभी हमें 350 रुपये में मिल रहा है। और नीचे देख सकते हैं डिस्काउंट वाउचर अप्लाइड, मतलब ऑलरेडी वो वाउचर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब आप जिस जिस चीज़ से है उस चीज़ से पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ प्राइस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी 349। तो बस ये कुछ सिंपल यहाँ पर ऐसी स्टेप से आपको करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर UPI से पे कर सकते हैं, जियो मनी से पे कर सकते हैं, पेटीएम से पे कर सकते हैं, फोनपे से पे कर सकते हैं, और नीचे जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग है इससे भी आप पे कर सकते हैं। तो आपको बस सिंपली इस पर पे किस जो भी आपके पास अवेलेबल होगा उस पर आपको पे पर क्लिक करना है। वो आपको कुछ इस तरह का नंबर वगैरह मांगेगा आपके जो इस पे पेटीएम वगैरह पे है। तो बस आपको सिंपली वहाँ से जाना है, और आपका जो रिचार्ज है फ़ोन का वो करना है। इससे आप आपके हर रिचार्ज पर आप 50 रुपीज़ मिनिमम, कम से कम 50 रुपीज़ तो आप बचा ही सकते हो। तो और कुछ रिचार्ज देखते हैं जिस पर ये ऑफर अवेलेबल है। तो सिर्फ एक बात बताइए, तो आपको जो 149 का रिचार्ज है ये, इस पर हम जो बाय करके दिखाता हूँ, तो इस पर वो ऑफर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो बस ये एक रिचार्ज छोड़ के बाकी सारे रिचार्ज पर वो ऑफर आपको अवेलेबल है। तो आप आसानी से आपके जो 50 रुपीज़ है हर रिचार्ज पर बचा सकते हैं। किसी कोई भी आपका घर में का रिचार्ज होगा उस पर आप 50 रुपीज़ बचा सकते हैं। अब हमने 350 वाला प्लान चूज़ किया है, इस पर देखते हैं ऑफर है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो 349 का प्लान मिल रहा था, वो हमें सिर्फ 299 में मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने ईजी ईजी स्टेप्स है यहाँ पर करने से आप आपके जो 50 रुपीज़ है हर रिचार्ज पर आसानी से बचा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप कमेंट में बताइएगा आपको ये इस प्लान का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भी बताइएगा, मैं आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक बार कहता हूँ लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।